Okay, let us start with complex number. आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, अलजेब्रा का एक पार्ट जो कि काफी इम्पोर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के व्यू से। ऐसा टॉपिक नाम सुन के आपको लग रहा होगा काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स समथिंग रिलेटेड टू डिफिकल्ट, बट कोशिश करूंगा इसे आसान बनाने की और मुझे लग रहा है मेरे पढ़ाने के बाद आपको शायद सबसे आसान टॉपिक लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक सिंपल सा इक्वेशन कंसीडर करता हूं, x plus 1 equal to 0, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x equal to minus 1, ठीक है। एक मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं, x square plus 1 equal to 0, it means x square equal to minus 1 implies x equal to under root of minus 1, यानी कि under root के अंदर नेगेटिव रियल नंबर। अब जैसे कुछ और ऐसे नंबर आ जाए, सपोज अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस टू, अंडर रूट माइनस थ्री, तो ऐसे जितने भी नंबर्स आते हैं इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे चैप्टर में हमें ऐसे नंबर के साथ डील करना है, इमेजिनरी नंबर्स, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ठीक है। इनके साथ डील करने से पहले सबसे पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले हम जरा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, जहां तक इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इसका एक छोटा सा लाइन है जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बताया अंडर रूट माइनस वन, अंडर रूट माइनस टू, अंडर रूट माइनस थ्री एटसेट्रा, एनीथिंग रियल नंबर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो इनके साथ कैसे डील करें, क्वेश्चन ये सवाल मतलब क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ डील कैसे किया जाए। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे यूलर भाई साहब, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। इन्होंने सबसे पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बोलते हैं आयोटा, IOTA। उन्होंने बोला कि इसे यूलर साहब ने इनको क्या बोला कि आयोटा, इसको उन्होंने बोला फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, फर्स्ट इमेजिनरी नंबर। क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने इसका जो वैल्यू दिया वो कुछ इस तरह से था अंडर रूट माइनस वन, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, और इसको उन्होंने बोला फर्स्ट इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतना बोलने के बाद यूलर भाई साहब गायब। अब हमारी बात आती है आयोटा के बारे में, तो बता दिया, चलिए ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, इसके पावर्स बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, ये जो आयोटा है इसके पावर्स बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमको क्या मिला, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, क्या मिलेगा हमें, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, स्क्वायर किया अंडर रूट गायब, ठीक है। सपोज मैं निकालना चाहूं आयोटा क्यूब, मैं क्या करूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इक्वल टू आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा स्क्वायर मुझे पता है क्या है, माइनस वन इंटू आयोटा, इट मीन्स माइनस आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैं निकालना चाहता हूँ आयोटा टू द पावर फोर, मैं क्या करूंगा, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, आयोटा क्यू मुझे पता है कितना आया, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, इट मीन्स माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ कितना है, माइनस वन, यानी कि वन। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, आयोटा का वैल्यू आया अंडर रूट माइनस वन जो कि यूलर साहब ने दिया, आयोटा स्क्वायर मैंने निकाला माइनस वन, आयोटा क्यू निकाला माइनस आयोटा, आयोटा फोर निकाला वन। अब आप बोलोगे सर कब तक निकालते रहोगे ऐसा, अगर 10 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए आयोटा के बारे में, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, उसका भी उपाय है हमारे पास। अब हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं निकालना चाहूँ आयोटा टू द पावर 55, आयोटा टू द पावर 99 सपोज, कुछ भी है सर जो कि 4 से बड़ा हो वैल्यू, तो हम क्या करेंगे देखते हैं, आयोटा टू द पावर n, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा जरा, आयोटा टू द पावर 4m प्लस r। अब आप बोलोगे सर कैसे लिख दिया, पागल पागल तो नहीं हो गए हो,
नहीं मैं पागल नहीं हुआ। मैंने क्या किया, आयोटा टू दी पावर एन को लिखा आयोटा टू दी पावर 4m प्लस r। ऐसा क्यों लिखा? सपोज मुझे निकालना था आयोटा टू दी पावर 25, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था आयोटा टू दी पावर 4 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकता था। मैंने किया क्या, 25 को डिवाइड किया 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर बचा 1, ये था मेरा रिमाइंडर, ठीक है। और ये क्या था मेरा क्वेश्चन, यानी कि मैं आयोटा टू दी पावर एन को लिख सकता हूँ 4m प्लस n को लिख सकता हूँ 4m प्लस r, जहाँ पे m क्या है मेरा क्वेश्चन और r क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर किस चीज का, जब मैंने n को डिवाइड किया 4 से, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं। आयोटा टू दी पावर 4m प्लस r, मैंने इसको लिखा आयोटा टू दी पावर 4m इंटू आयोटा टू दी पावर r, इसको अलग अलग कर दिया। ये प्रॉपर्टी आपको शायद पता हो कि अगर पावर प्लस में है तो उसको हम अलग अलग करके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा टू दी पावर 4m, मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर m, ठीक है, 4 को अलग कर लिया थोड़ी देर के लिए, इंटू आयोटा टू दी पावर r। आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी, यहाँ पे वो आई थी 1, यानी कि इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 1 टू दी पावर m इंटू आयोटा टू दी पावर r। अब 1 की पावर में हम कुछ भी लगा दें वैल्यू तो 1 ही रहेगी, फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 1 इंटू आयोटा टू दी पावर r, इट मीन्स आयोटा टू दी पावर r। तो मैं निकालने चला था आयोटा टू दी पावर एम, मुझे मिला क्या आयोटा टू दी पावर आर, वेयर आर क्या है मेरा, वेयर आर इज रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब मुझे आयोटा टू दी पावर एन, एन कुछ भी हो, चार से कितना भी बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना क्या है, सपोज मुझे निकालना है आयोटा टू दी पावर एन, मैं क्या निकालूंगा आयोटा टू दी पावर आर, जहां पे आर क्या होगा, जब मैं एन को डिवाइड करूंगा 4 से, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से लेके 4 के बीच में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे कंसीडर किया था, सपोज मुझे निकालना है आयोटा टू दी पावर 55, मैं क्या करूंगा 55 को डिवाइड करूंगा 4 से और देखूंगा रिमाइंडर कितना आ रहा है। आयोटा टू दी पावर डिवाइड 55 बाय 4, 4 1 4 1 15, 4 3 12, यानी कि रिमाइंडर बचा मेरा 3, ठीक है। आयोटा क्यू, मैं आयोटा टू पावर 55 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा क्यू, ठीक है। और आयोटा क्यू का वैल्यू मुझे पहले से पता है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, वो मेरा आया था माइनस आयोटा, ठीक है। सपोज मुझे निकालना हो आयोटा टू दी पावर 99, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, 99 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 से डिवाइड किया मैंने, रिमाइंडर कितना बचेगा 4 2 8 119, 4 4 16, अगेन 3 रिमाइंडर, इट मींस माइनस आयोटा, ठीक है सर। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि जब तक 4 पावर 4 तक है तब तक तो हमें वैल्यूज पता है, जैसे ही 4 से बड़ा हुआ हमने क्या किया उसे 4 से डिवाइड कर दिया, देखा रिमाइंडर क्या है उसको चढ़ा दिया पावर पे। सपोज मुझे निकालना है आयोटा टू पावर 16, मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा, 4 4 16, रिमाइंडर क्या बचा 0, इट मींस वैल्यू 1, सिंपल, ठीक है सर। अभी तो पॉजिटिव पावर्स की बात कर रहे हो, अगर हम नेगेटिव पावर्स लगा दे तो देखते हैं। सपोज मैंने लगा दिया आयोटा टू दी पावर -1, जब भी पावर -1 हो एक प्रॉपर्टी है कि मैं इसको 1 बाय लिख सकता हूँ, आपने शायद पढ़ा होगा आयोटा टू पावर -1, मैंने इसको लिखा 1 बाय आयोटा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूँगा आयोटा से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। क्या आया आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा तो आयोटा है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1, इट मीन्स माइनस आयोटा, यानी कि मैं निकालना चाहता था आयोटा टू दी पावर -1 जो कि हुआ 1 बाय आयोटा और उसका वैल्यू कितना आया माइनस आयोटा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आप इसको याद कर ले तो ज्यादा बेटर होगा, वरना आगे हम निकाल ही सकते हैं इसको अगर सामने आ गया तो, लेकिन अगर याद कर ले तो आसानी होगी आगे क्वेश्चन में, ठीक है। सर आयोटा आयोटा पे घुमा रहे हो, क्योंकि आयोटा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस है, हर जगह तो यही आएंगे तो इनसे निपटना सबसे पहले जरूरी है, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात करते हैं, सपोज एक और मैं एग्जांपल अगर थोड़ी देर के लिए कंसीडर करूं, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3, मैं आपको बोलूं कि इसका वैल्यू मुझे बताइए कितना होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले
सर आई डॉट टू पावर एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री सर आई डॉट टू पावर एन हर जगह कॉमन दिख रहा है तो मैं उसे कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा वन, यहाँ क्या बचेगा आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर, यहाँ आयोटा क्यूब, कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है आयोटा टू दी पावर एन वन, ठीक है आयोटा, ठीक है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी माइनस वन, आयोटा क्यू की वैल्यू पता है कितनी माइनस आयोटा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्या हुआ रिजल्ट माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, वैल्यू क्या मिला मुझे जीरो। मैंने ऐसा क्यों बताया सर आप पागल हो गए, पागल नहीं हुआ यार। एक्चुअली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आयोटा के पावर में जब भी फोर कंजुगेटिव टर्म्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कुछ पूछ ले कोई वैल्यू पूछ ले आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू प्लस आयोटा फोर, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख सकता हूँ जीरो, या फिर आयोटा थ्री आयोटा टू पावर फोर आयोटा टू पावर फाइव प्लस आयोटा टू पावर सिक्स, वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ जीरो, बिकॉज सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक नोट डाल के लिख लेंगे आप लोग, क्या है कि सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो। आई बात समझ में? शायद आगे। अब आप बोलोगे सर इसका क्या यूज है, इसका यूज है जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड आयोटा टू द पावर एन, इसका वैल्यू क्या होगा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आपको इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है, सिग्मा, सिग्मा मीन्स समेशन, एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड, एन का वैल्यू वेरी कर रहा है वन से लेकर सौ तक, आपको करना क्या है एन की वैल्यूज चेंज करते जानी है और बीच में प्लस लगाते जाना है। चलो पुट करो, सबसे पहले एन इक्वल टू वन आयोटा, एन इक्वल टू टू आयोटा स्क्वायर, एन इक्वल टू थ्री आयोटा क्यू प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन इक्वल टू हंड्रेड आयोटा टू द पावर हंड्रेड। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, आपको आयोटा पता है आयोटा स्क्वायर पता है आयोटा क्यू पता है आयोटा फोर पता है, वैसे तो सब कुछ पता है लेकिन कब तक निकालते रहोगे? मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई कि सम ऑफ फोर कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज जीरो, तो अगर ध्यान से देखो आप तो वन टू थ्री फोर चार का सम जीरो, अगेन फाइव सिक्स सेवन एट जीरो, नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व जीरो, ऐसे करते करते कब तक, नाइनटी सेवन नाइनटी एट नाइनटी नाइन हंड्रेड, लास्ट हंड्रेड पावर तक जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पच्चीस चार चार के पेयर बन रहे हैं, चार चार के कितने बन रहे हैं पच्चीस, यानी कि पच्चीस बार आपको जीरो मिलेगा, कितना तक, ट्वेंटी फाइव टाइम्स तक। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है फोर से डिविजिबल है, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं हंड्रेड, हंड्रेड को अगर मैं फोर से डिवाइड करूँ तो ट्वेंटी फाइव, इट मीन्स आपको पच्चीस बार जीरो मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा आपको जीरो। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर देगा आप, कुछ भी कर देते हो, ठीक है मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर एन इक्वल टू वन टू हंड्रेड, सॉरी नॉट हंड्रेड, इस बार वैल्यू चेंज कर रहा हूँ हंड्रेड टू आयोटा टू द पावर एन, क्या होगा सॉल्व करो, एन का वैल्यू पुट करते जाओ, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यू डॉट 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 आयोटा टू द पावर वन जीरो वन प्लस आयोटा टू द पावर वन जीरो टू, ये होगा। अब आपको पता है कि वन से लेके हंड्रेड तक तो जीरो हो जाएगा क्योंकि चार चार के पेयर बन रहे हैं पच्चीस बार, ठीक है यानी कि जीरो वहां तक, लेकिन बच क्या गया ये दोनों टर्म 101 प्लस आयोटा टू द पावर 102। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता है कैसे निकालना है, 101 को डिवाइड करो 4 से, 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 81, इट मींस आयोटा, 102 को डिवाइड करो 4 से रिमाइंडर क्या होगा 2, इट मींस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इज आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज अगेन माइनस 1, इट मींस आयोटा माइनस 1, ठीक है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आगे आ जाएगा। ठीक है बोलोगे आप सर आयोटा 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 बोल दो क्या आयोटा, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोर कर रहे हो आप, ठीक है बोर नहीं होना, चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद मैं समझा देता हूँ क्या होता है। ठीक है डेफिनेशन की अगर बात करें, डेफिनेशन बोलता है इफ एक्स एंड वाई आर टू
real numbers, then the numbers in the form x plus iota y are called complex numbers. डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर x और y क्या है, दो रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर क्या होता है सबको पता होता है, x और y क्या है, दो रियल नंबर है, तो एक ऐसा नंबर जिसको कुछ हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, x plus iota y, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से इंडिकेट करता हूँ, तो z इक्वल टू अगर मेरा x plus iota y है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे, x और y क्या है, वेरिएबल्स है और रियल नंबर है, तो ऐसे जितने भी नंबर जिनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ उनको मैं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, x क्या है, y क्या है। यहाँ पे जो x है, जो टर्म आयोटा के साथ नहीं है, उस x को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर हम इसको इंडिकेट करते हैं आर जेड से, ओके। अगला जो नंबर है y, जो कि टर्म आयोटा के साथ है, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, आई जेड, आई फॉर इमेजनरी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें x और y क्या है, रियल नंबर है। x को हमने बोला रियल पार्ट ऑफ z जो कि आयोटा के साथ नहीं था, इसको हमने इंडिकेट किया आर जेड। y को हमने बोला इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो कि आयोटा के साथ था, और उसको हमने बोला इंडिकेट किया आई जेड से, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ में आती है, अगर बात समझ में आती है तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, z इक्वल टू 2 प्लस 3 आएगा। मैंने आपसे पूछा बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलोगे सर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने अभी अभी बताया z इक्वल टू x प्लस iota y के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हों उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जहाँ पे x और y क्या है हमारे, रियल नंबर, ठीक है सर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या है, सर 2, इमेजनरी पार्ट क्या है, सर 3, वो तो सर दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने लिया z इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 आयोटा, और मैंने आपसे पूछा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलोगे हाँ सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों नहीं है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर जिसका रियल पार्ट है मेरा माइनस 3 और सर इमेजनरी पार्ट इसका है माइनस 5, ठीक है सर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका रियल पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट क्या है, ठीक है बात समझ में आई। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, सपोज मैंने लिया z इक्वल टू 5 और मैंने आपसे पूछा क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलोगे सर दिमाग खराब हो गया आपका, अभी आपने बोला x plus iota y के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, यहाँ तो सर ना ही x है सर, ठीक है दिख रहा है सर, y नहीं है, iota नहीं है, कैसे आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हो, ठीक है। मैं बोलूँगा चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 5 plus iota into 0, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, और 0 क्या एक रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है सर 5 रियल नंबर है, हाँ सर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, सर 5 दिख रहा है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, सर 0, ठीक है। हाँ सर बात समझ में आ गई कि सारे जितने भी रियल नंबर हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, हाँ ठीक है। चलो अगला एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने लिया z इक्वल टू 2 आयोटा, मैंने पूछा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, z इक्वल टू 5 कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या z इक्वल टू 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 plus 5 आयोटा, 0 एक रियल नंबर, x के जगह पे 0 आ गया, हाँ सर देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लग रहा है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या है, सर 0, ठीक है, इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, आप बोलोगे हाँ सर सही है सर, ये भी इमेजनरी, ये भी एक इमेजनरी नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल नंबर था सर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से एक बात निकल के सामने आती है, वो क्या, कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं या फिर दुनिया में जितने भी इमेजनरी नंबर हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। डिफरेंस क्या है कि जो रियल नंबर हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन उनका इमेजनरी पार्ट 0 है, जो इमेजनरी नंबर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं लेकिन उनका रियल पार्ट 0 है। तो अगर बात समझ में आ गई हो तो एक नोट लगा के आप लिख लेंगे कि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट देयर इमेजनरी पार्ट इज 0 एंड ऑल इमेजनरी नंबर्स
आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बट देयर रियल पार्ट इज जीरो. रियल पार्ट इज जीरो. आई बात समझ में? दुनिया में जितने रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका इमेजिनरी पार्ट जीरो. दुनिया में जितने इमेजिनरी नंबर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उनका रियल पार्ट जीरो. ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि दुनिया में जितने भी नंबर है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है. यानी कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर बना, बाद में वो नंबर है. यानी कि सबसे बड़ा कौन हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. मैंने क्या माना था कॉम्प्लेक्स नंबर? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बारी बारी से सबको जीरो करता हूँ. कंडीशन वन, जब मैंने लिया एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को हम क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड. अगर ये जीरो हुआ, यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हुआ? रियल पार्ट जीरो हो गया, बचा क्या? सिर्फ इमेजिनरी. यानी कि हम जेड को बोलेंगे जेड इज योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, जब रियल पार्ट जीरो, जेड इज प्योर इमेजिनरी. अगला, अगर वाई जीरो हो तो वाई जीरो मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, और इमेजिनरी पार्ट जीरो है मतलब जेड इज प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. थर्ड पॉइंट, अगर दोनों जीरो हो जाए तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो. यानी कि रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो. अगर दोनों एक साथ जीरो हो जाए, यानी कि जेड इक्वल टू जीरो, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं जेड इज प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, मैंने क्या बोला? जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक्स रियल पार्ट है, वाई इमेजिनरी पार्ट है. मैंने सबसे पहले लिया एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि रियल पार्ट जीरो. जब रियल पार्ट जीरो है तो मैंने जेड को बोला प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. अगले केस में मैंने वाई इक्वल टू जीरो लिया, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो. इमेजिनरी पार्ट जीरो मतलब जेड को मैंने बोला प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. और जब मैंने दोनों को जीरो ले लिया तो उसको बोल दिया रियल एंड इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है सर, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? कुछ नहीं है, बहुत आसान है. रियल जीरो, इमेजिनरी, इमेजिनरी जीरो, रियल, दोनों जीरो, रियल एंड इमेजिनरी, प्योर रियल एंड प्योर इमेजिनरी. ठीक है सर, इसका यूज क्या है? इसका यूज आता है क्वेश्चंस में. जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा मैं छोटा सा. सपोज जेड इक्वल टू वाइस कॉस थीटा माइनस वन प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा. और मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन पार्ट ए जेड इज प्योर इमेजिनरी एंड पार्ट बी जेड इज प्योर रियल. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया जेड इक्वल टू कॉस थीटा माइनस वन प्लस आयोटा साइन थीटा. और मैंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन जेड इज प्योर इमेजिनरी, और दूसरा केस व्हेन जेड इज प्योर रियल. प्योर इमेजिनरी प्योर रियल का फंडा आपको समझा चुका हूँ, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसका रियल पार्ट क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसका रियल पार्ट क्या है? ट्वाइस कॉस थीटा माइनस वन. इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जो कि आयोटा के साथ है. क्या है वो? साइन थीटा. ठीक है, पार्ट ए बोलता है व्हेन जेड इज प्योर इमेजिनरी. तो मैंने आपको बताया कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट जीरो होता है. और इसका रियल पार्ट क्या है? ट्वाइस कॉस थीटा माइनस वन. यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी जीरो. यानी कि ट्वाइस कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कॉस पाई बाई थ्री, बिकॉज कॉस पाई बाई थ्री इज वन बाई टू. लिख दिया. अब ट्रिगोनोमेट्री अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ से एक सोल्यूशन निकल के आता है. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर हो तो थीटा इक्वल टू ट्वाइस एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे पाई बाई थ्री. अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, थीटा का वैल्यू मिल गया. अगले पार्ट पे जाते हैं. अगला पार्ट बोला व्हेन जेड इज प्योर रियल. मैंने आपको बताया कि जब जेड प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है. इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जो आयोटा के साथ है, यानी कि साइन थीटा. यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी जीरो इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू जीरो इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन फाइव. ये भी ट्रिगोनोमेट्री से ही बोल दिया है, जहाँ पे बोथ केसेस में एन का वैल्यू क्या होता है? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डॉट डॉट डॉट.
तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मुझे क्वेश्चन में बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, बोला कि थीटा का वैल्यू निकालो जब जेड इमेजिनरी हो प्योर और जब जेड प्योर रियल हो। मैंने क्या किया, प्योर इमेजिनरी के लिए इसके रियल पार्ट को इक्वल टू जीरो कर दिया और इम्प्योर इमेजिनरी के लिए सॉरी प्योर रियल के लिए इसके रियल पार्ट को जीरो कर दिया, वहां से थीटा के वैल्यू को निकाल दिया। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो अगले क्लास में हम फिर से इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छा क्लास।